सुनने को मिलती है। संसार माने ईंट पत्थर नहीं होता, मैं और मेरा का नाम संसार है। इसके सिवाय संसार और कुछ नहीं है, यह मैं हूँ और यह मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। जहाँ विभाजक रेखा बीच में आई मैं और मेरा की, तू और तेरा की, वहाँ संसार आ गया। जो लोग समझते हैं कि ईंट पत्थर का नाम संसार है, वे परमार्थ के मार्ग से अलग है। शंकराचार्य भगवान ने संसार की जो पहचान बताई, संसार का लक्षण बताया, वो अद्भुत है। आप काम करते हैं, इसका नाम संसार नहीं है, और आप खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, सेवा करते हैं, इसका नाम संसार नहीं है। संसार एक खास तरह की चीज होती है। तो आपसे जो जानते हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, उनसे कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं। जब शंकराचार्य कहते हैं कि संसार छोड़ दो, तो वो ये नहीं कहते कि ईंट पत्थर छोड़ दो, कि पेड़ पौधा छोड़ दो, वो ये नहीं कहते कि माटी पानी छोड़ दो। इसी बात को ठीक ठीक न समझने के कारण लोगों को भ्रम हो जाता है कि शंकराचार्य तो कोई सातवें आसमान की बात करते हैं, धरती की बात ही नहीं करते। उन्होंने पहले संसार की परिभाषा बताई, संसार का लक्षण बताया, संसार की पहचान बताई, और उसके बाद कहा कि संसार छोड़ दो। तो संसार की पहचान क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। मैं करने वाला हूँ, करता हूँ, और मैं भोगने वाला, भोगता हूँ। ये जो दो प्रकार के भ्रम मनुष्य के मन में बैठे हुए हैं, मेरा किया हुआ, मेरा भोगा हुआ, किए हुए का अभिमान होता है, भोगे हुए का संस्कार होता है। वैसे किए हुए का भी संस्कार होता है और भोगे हुए का भी अभिमान होता है। तो जब हम कोई काम करके, कोई भोग करके उसका अभिमान अपने अंदर धारण कर लेते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने भोगा, इसका नाम संसार होता है। तो जब हमारे आचार्यगण कहते हैं कि संसार को छोड़ दो, तो वो ये नहीं कहते कि धरती पर पांव मत रखो क्योंकि धरती संसार है, ये तो असंभव है ना।
वो ये नहीं कहते कि पानी छोड़ दो, पानी संसार है। वो ये नहीं कहते कि सूर्य चंद्रमा की रोशनी में मत देखो, ये संसार है। वो ये नहीं कहते कि आग मत जलाओ, ये संसार है। वो ये नहीं कहते कि हवा में सांस मत लो, ये संसार है। वे जब संसार छोड़ने को कहते हैं तो केवल जो ये मैं और मेरा, तू और तेरा का अभिमान है, इस अभिमान को ही छोड़ने के लिए कहते हैं। और दुनिया में जितना भी फंसाव है, जितना भी बंधन है, वो मैं मेरा का है। इसी से श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने ध्यान में लिया इस बात को कि शंकर क्या कहते हैं, इसको साधारण लोग नहीं समझते हैं। तो उन्होंने विभाग कर दिया, संसार दूसरी चीज है और जगत दूसरी चीज है। लो, एक और नई बात श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि जितना दुख है, जितना बंधन है, जितनी नासमझी है, वो सब संसार में है, जगत में नहीं है। उनका कहना है मिट्टी जगत है, पृथ्वी जगत है, जल जगत है, अग्नि जगत है, वायु जगत है, आकाश जगत है, इनमें न बंधन है न दुख है। लेकिन जब जीव संसार की वस्तुओं को मैं और मेरा कर लेता है, फंस जाता है, तब दुख होता है, तब बंधन होता है। देखो, अपने आस्तिक आचार्यों में से जो वैदिक आचार्य हैं, उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं, वल्लभाचार्य शंकराचार्य दोनों ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि दुनिया में ईश्वर का बनाया हुआ दुख नहीं है। ईश्वर का बनाया हुआ धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। ईश्वर का बनाया हुआ स्त्री पुरुष का भेद है जगत में। ईश्वर का बनाया हुआ पेड़ पौधा, मनुष्य, पशु, पक्षी है। परंतु ईश्वर का बनाया हुआ दुख नहीं है। ये बात शंकराचार्य को भी मान्य है और वल्लभाचार्य को भी मान्य है। आप लोग कभी इस बात पर ध्यान देना, दुख ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, दुख जीव का बनाया हुआ है। अपने मूल दार्शनिक आचार्यों में कपिल महाराज कहते हैं कि दुख, ये सृष्टि दो तरह की है, एक प्राकृत और एक अविवेक जन्य। तो वो कहते हैं प्राकृत सृष्टि में दुख नहीं है। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंच महाभूत, और पंच महाभूत में किलृप्त हुए प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष, लता, इनमें कहीं भी दुख नहीं है। दुख कहाँ है? अविवेक की सृष्टि में दुख है। मैं मेरा, तू तेरा। शंकराचार्य कहते हैं कर्तापन भोक्तापन में दुख है, संसार तो है ही नहीं। जब आप कर्ता अपने को मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, अभिमान करते हैं, तब दुख होता है। वल्लभाचार्य कहते हैं कि जगत में तो दुख है ही नहीं, ये तो आपके बनाए हुए संसार में दुख है। योग दर्शन वाले कहते हैं प्रकृति में दुख नहीं है और असंग पुरुष में भी दुख नहीं है। दुख तो केवल अविद्या की, ना समझी की सृष्टि में ही दुख है। बौद्ध भी कहते हैं कि केवल अविद्या से ही दुख की उत्पत्ति होती है। जैन लोग कहते हैं केवल प्रमाद से ही दुख की उत्पत्ति होती है। अविद्या शब्द का प्रयोग तो शंकराचार्य भी करते हैं, गौतम न्याय दर्शन भी करते हैं, योग दर्शन पतंजलि भी करते हैं। अविद्या माने नासमझी। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितना बंधन है, वो नासमझी से है, समझदारी से नहीं है। तो प्रकृति से दुख नहीं है, अविद्या से दुख है, नासमझी से दुख है। जो प्रकृति है वो तो सब जगह है, सब समय है, सब के रूप में है, जन्म मरण सब का सब वही है। परंतु मेरा जन्म मरण होता है, ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण ही दुख होता है। वेदांती लोग
जिनमें शंकराचार्य की बात तो पहले सुनाई, अब विद्यारण्य स्वामी पंचदशी कार कहते हैं कि ये सृष्टि दो तरह की है, एक जीव सृष्टि और एक ईश्वर सृष्टि। एक स्त्री बनी वो ईश्वर की सृष्टि है, क्या कला है, क्या कौशल है, क्या सौंदर्य है, वो स्त्री किसी को दुख नहीं देती है। लेकिन जब पुरुष के मन में आता है कि ये स्त्री मेरी हो जाए, मेरे काबू में रहे, मेरे मन के अनुसार चले, मैं नचाऊं तो नाचे, मैं बुलाऊं तो बोले, मैं बैठाऊं तो बैठे, जब और मैं स्त्री वाला हूँ ये जब जीव अभिमान कर लेता है तब जीव को दुख होता है। इसी तरह स्त्री पुरुष, पुरुष तो ईश्वर की एक खास तरह की रचना है, बड़ी कलामयी सत चित आनंद की अनुकृति, बहुत बढ़िया सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा की प्रतिमा, ये पुरुष है। पुरुष में कोई दुख नहीं है, लेकिन जब पुरुष को मेरा मान लेते हैं कि ये मेरा है, मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे कहे अनुसार चलना चाहिए, मेरे लिए ये चीज इसको लाना चाहिए, मेरे सिवाय दूसरे की ओर इसको देखना नहीं चाहिए, और मैं पुरुष वाली हूँ, ऐसा अभिमान जब स्त्री कर लेती है तभी उसको दुख होता है। माने दुख भगवान ने जब स्त्री बनाई तब दुख नहीं बनाया, भगवान ने जब पुरुष बनाया तब दुख नहीं बनाया, भगवान ने जब हीरा मोती बनाया तब दुख नहीं बनाया, जब उन्होंने सोना चांदी बनाया तब दुख नहीं बनाया, जब उन्होंने पेड़ पौधा बनाया तब दुख नहीं बनाया, जब उन्होंने मिट्टी पानी आग बनाई तब दुख नहीं बनाया। जब जीव ने अपने मैं को उन चीजों के साथ जोड़ लिया और उनको मेरा मान लिया तो सुख दुख जीव की सृष्टि में है, और वस्तुएं जो हैं, पदार्थ जो हैं, ये सब के सब ईश्वर की सृष्टि में है। तो ईश्वर तो परमानंद स्वरूप है, वो दुख बनाना जानता ही नहीं है, जहाँ उसका हाथ लग जाता है वहाँ आनंद ही आनंद हो जाता है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उसका हाथ न लगा हो। इसलिए ये चंद्रमा आनंद है, ये सूरज आनंद है, ये वायु आनंद है, ये जल आनंद है, ये पृथ्वी आनंद है। उपनिषदों में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, इमानि सर्वाणि भूतानि पृथिव्या मधु। पृथ्वी के लिए सब मधुमय आनंदमय है, और संपूर्ण प्राणियों के लिए ये पृथ्वी मधुमय आनंदमय है। ये सृष्टि रसमयी है, मधुमयी है, आनंदमयी है। इसमें जो मालूम पड़ता है कि दुख है, बंधन है, ये अपनी पराई चीजों को अपनी पराई जो मान लेता है जीव, और उसके कारण जन्म मरण, देह को मैं मेरा माना तो जन्म मरण अपने साथ आ गया, कर्म को मैं मेरा माना तो पाप पुण्य अपने साथ आ गया, मन को मेरा माना तो अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुख दुख अपने में आ गया। अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में इनकी स्थिति बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये संसार में, ये जो संसार की वस्तुओं में और व्यक्तियों में, स्त्री में, पुरुष में, पुत्र में, धन में, हीरा में, मोती में, इसको फिर आगे बढ़ावे तो मजहब में, जाति में, राष्ट्र में, ये जो ममता है और उसका जो अहंकार है अपने चित्त में, वही दुख देता है। तो दुख से छूटने की युक्ति क्या है कि ये जो हमारी ममता है और अहंता है, अहंकार है, ये कम हो। इसको कम करने की युक्ति क्या है, कल आपको सुना रहा था, आपके ध्यान में बात होगी। असल में कर्तृत्व भोक्तृत्व माने अहंता और ममता, यह मैं हूँ और यह मेरा है, ये बात आस्तिक नास्तिक सब दर्शनों से निष्पन्न है, सिद्ध है।
ये चारबाग दर्शन भी मानता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी की अपनी नहीं है। नास्तिक से नास्तिक घनघोर नास्तिक दर्शन मानता है कि दुनिया की कोई वस्तु किसी की नहीं है। बहुत मानते हैं ये अविद्या है जो हम किसी चीज को अपनी मानते हैं। जैन कहते हैं ये प्रमाद है जो हम किसी चीज को अपनी मानते हैं। शंकराचार्य कहते हैं ये कर्तापन भोक्तापन भ्रम है जिससे संसार में चीजें अपनी मालूम पड़ती हैं और मैं चीजों वाला मालूम पड़ता हूँ। वल्लभाचार्य जी कहते हैं ये संसार है। पंचदशीकार कहते हैं ये ईश्वर की सृष्टि नहीं है, तुमने खुद अपने लिए जाल बुना है और दुख बनाया है। योग दर्शन वाले कहते हैं ये अविद्या है, ये न प्रकृति है न पुरुष है। सांख्य दर्शन वाले कहते हैं ये न प्रकृति है न पुरुष है, ये अविद्या है। मतलब ये कि संसार में जो दुख है वो नासमझी के कारण है और नासमझी के कारण ही मृत्यु भी है और नासमझी के कारण ही संयोग वियोग भी है। तो जन्म और मरण अपने आप में मानना नासमझी है, संयोग और वियोग अपने में मानना नासमझी है, समाधि और विक्षेप अपने में मानना का ये नासमझी है। नासमझी, मृत्यु और दुख, ये तीनों एक कक्षा में हैं। दुखी कौन है? जो नासमझ है। नासमझ कौन है? कि जो जन्म मरण वाले शरीर को अपना मैं और मेरा मान करके बैठा है। अब ये मैं और मेरा अपने सिर पड़ गया और ऐसा पड़ा मनुष्य के सिर पर ये कि ये पेट खाली रख के नहीं रह सकता। हमको बहुत दिन की बात है, 42 की बात है, यही जबलपुर में आया था, बलदेव बाग में बीमार था। कुछ थोड़ी तकलीफ थी, तकलीफ ज्यादा नहीं थी, थोड़ी ही थी। तो यहाँ एक डॉक्टर बराट थे, अब है कि नहीं हमको मालूम नहीं, 33 वर्ष पहले की बात है। उन्होंने आके बलदेव बाग में हमको देखा और देखने के बाद बताया कि स्वामी जी भोजन थोड़ा कम कर दो। मैंने कहा भूखे कैसे रहेंगे? वो बोले कि नहीं, ये वजन ढोने की आदत पेट को पड़ गई है, हम लोग जितना खाते हैं उतने की हमको जरूरत नहीं है। हम लोग, आपने शायद उस गधे की कहानी सुनी होगी जिसके पीठ पर 3 मन का बोझ लाद करके रोज धोबी ले जाया करता था। तो एक दिन उसके पास 3 मन का बोझ नहीं था, वो 1.5 मन का बोझ था। गधे के पीठ पर लाद दिया तो गधा चले ही नहीं, उसको डंडा मारे, कान पकड़ के ले चले पर गधा चले नहीं। 1.5 मन का बोझ, उसको कुछ नहीं मालूम पड़े। तो किसी बुद्धिमान ने बताया कि बाबा रोज 3 मन का बोझ रखते हो, आज 1.5 मन का बोझ है, ये चले कैसे? तो 1.5 मन पत्थर उठा के उसने रख दिया गधे के ऊपर, और 1.5 मन कपड़ा और 1.5 मन पत्थर। अब गधा बड़े प्रेम से चलने लगा। तो ये जो हम लोगों का पेट है, ये ऐसा हो गया है कि ये थोड़े भोजन से, डॉक्टर बराट ने हमको कहा कि साग से, पत्ते से, सब्जी से, जिसमें कोई गरिष्ठ वस्तु ना हो, ऐसी चीज से पेट को वजन दे दो, लेकिन भोजन कम करो तभी तबीयत ठीक रहेगी। ये सन 42-43 की बात है, अब 32-33 वर्ष हो गए। तो जैसे पेट को बहुत वजन लादने की आदत पड़ गई है और वो थोड़े में संतुष्ट नहीं होता, वैसे हमारे मैं और मेरा को भी बहुत वजन लादने की आदत पड़ गई है। जरूरत तो नहीं है, बहुत वजन लादने की जरूरत नहीं है कि हमारा मैं कितना बड़ा, कि इतनी बड़ी कुर्सी हमारी, इस कुर्सी का मालिक मैं, इतने बड़े वहदे का मालिक मैं, इतना बड़ा राजा मैं, इतना बड़ा अफसर मैं, ये अपने मैं को बहुत बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है। परंतु आदत पड़ गई है कि अपने पर बड़प्पन का बोझ न रखें तो जैसे संसार में कुछ हो ही नहीं। इसी प्रकार मेरा का पेट भरने की
आदत पड़ गई है, जरूरत नहीं है। मेरा क्या है, क्या क्या मेरा है, क्या क्या मेरा है, ये आप देखो। बहुत थोड़ा कुछ भी मेरा न रखें तब भी मनुष्य के जीवन का निर्वाह हो सकता है। वो ठंड को सह सकता है, भूख को सह सकता है, और वो बड़ी तपस्या का, सहिष्णुता का जीवन व्यतीत कर सकता है। परंतु मैं और मेरा का पेट इतना बड़ा हो गया है कि वो जल्दी भरते ही नहीं। यत पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालमेकस्य तृप्त्यर्थम् इति मत्वा समं व्रजेत। सारी धरती पर जितना धान है, जितना जव है, जितना सोना है, जितने हाथी घोड़े हैं, जितने मोटर मकान हैं, अगर सबका मालिक एक आदमी को बना दिया जाए और वो कहे कि ये सब मेरा है और सबका मालिक मैं हूँ, ऐसा मैं और मेरा बना दिया जाए, तब भी मनुष्य को संतोष नहीं होता। नालमेकस्य तृप्त्यर्थम् इति मत्वा समं व्रजेत। मनुष्य को शांति मेरा का पेट भर के कभी शांति नहीं हो सकती। जैसे आग में आहुति डालें तो और जीभ लपलपाती है कि और आहुति चाहिए, और आहुति चाहिए, और घी घोड़ा डालो। इसी प्रकार अपने मैं और मेरा में हम जितनी आहुति डालते हैं वो उतनी कम होती जाती है। ग्राम पंचायत का पंच होने से तृप्ति नहीं होती, अपने म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर होने से तृप्ति नहीं होती, विधानसभा का मेंबर होने से तृप्ति नहीं होती, पुलिस का थानेदार होने से, कलेक्टर होने से तृप्ति नहीं होती, और बढ़ते जाते हैं। हविषा कृष्णवर्त में वह जैसे आग में हविष्य डालो तो और बढ़ता है, वैसे ही हमारे मैं और मेरा की पूर्ति के लिए जितना संसार डालो उतना ये बढ़ता जाता है, ये आग और जलती जाती है, और जिसके हृदय में जलती है उसको जलाती है। तो ये मैं और मेरा आज तक न किसी का तृप्त हुआ है, संसार को अपने अंदर भर के, और बड़े बड़े संसार हुए, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े उम्मीदवार लोग हुए, पदधारी लोग हुए, और उन्होंने संसार की दिन रात चर्चा की। अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, ये आपको मालूम है, आपकी जबान पर है। राजनीति में कौन सा दाव पेच कौन खेल रहा है, ये सब जानकारी आपको होती रहती है। और किसकी बहू कैसी है, किसकी बेटी कैसी है, ये घर गृहस्थी की बात आप जानते हैं। दूसरे की तिजोरी में, बैंक में, लाकर में, जेब में कितने पैसे हैं, इसका भी आप पता रखते हैं। दुनिया के बारे में जानते जानते, राजनीति की चर्चा करते करते, ये पार्टी बंदी की चर्चा करते करते, आप चाहे मानो चाहे मत मानो, आप बेचैन हो गए हो, आप संतुष्ट हो गए हो, इसकी चर्चा से आपके भीतर की अंतरात्मा जल चुकी है और जलती जा रही है, बेचैन होती जा रही है। आप इसको मानो चाहे मत मानो, आप जान बूझ करके अपने घर में बेचैनी, अशांति, विक्षोभ को आमंत्रित करते रहो। इस मैं और मेरा का पेट भरने का एक उपाय है, ये मिट जाए तो सबसे बढ़िया, परंतु मिटता तो सबका नहीं है और मिटना आसान भी नहीं है। ये मिटता है केवल ब्रह्म ज्ञान से। जब अद्वितीय ब्रह्मात्मय की बोध होता है तब ये मिटता है। ये न वन में जाने से मिटता है, न तप करने से मिटता है, न इंद्रिय संयम से मिटता है, न समाधि लगाने से मिटता है। 6 महीने की समाधि लगाई रहेगी और फिर घोड़े का घोड़ा मांगने के लिए, क्योंकि वृत्ति का व्यवहार बंद कर देने से उसमें जो संस्कार या वासना है वे मिट नहीं जाते, वे फिर के फिर आगे होते हैं। इसलिए अपनी अद्वितीयता के परिज्ञान से, अनुभव से, जब दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है तो किसकी कौन वासना करे। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत, किस वस्तु को किम विषय जातम इच्छन
कस्य भोक्तु कामाय, कौन विषय ऐसा है जिसको हम चाहें और कौन भोक्ता ऐसा है जिसको तृप्त करें। इबादन पक्ष में रुचि होने से नहीं होता, ब्रह्मात्मी के बोध प्रमाण पक्ष में रुचि होने से होता है। उपनिषदों के सिद्धांत में रुचि होए, उसमें अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय इन कोषों का विवेक होए, साक्षी का विवेक होए, साक्षी को ब्रह्म के रूप में जाने, या स्थूल सूक्ष्म कारण विश्व का विवेक होकर के तुरीय वस्तु को जाने, तब कहीं जा करके ये मैं मेरा मिटता है। ये मैं मेरा का मिटना बहुत कठिन है, लेकिन एक बड़ा आसान उपाय जो इसमें है, सबसे बढ़िया सबसे सुगम आसान उपाय, अनायास को ही आसान बोलते हैं। जिसमें कोई आयास नहीं है उसको अनायास बोलते हैं, और अनायास को ही लोगों ने और छोटा शब्द आसान आसान बना दिया, अनायास ही आसान बन गया। तो सबसे आसान की बात यह है, जैसे हमको बराट ने बताया था कि साग सब्जी से अपने पेट का वजन की मांग जो है वो पूरी कर लो, उसी तरह हम आपसे मैं और मेरा मिटने का बहुत आसान उपाय बताते हैं कि आप अपनी ममता को परमेश्वर से पूरी कर लो, और अपने अहम को परमेश्वर वाले बन करके पूरा कर लो। मेरा दुनिया में कोई है तो राम है, दुनिया में मेरा कोई है तो कृष्ण है, दुनिया में मेरा कोई है तो शिव है। आकृति पर आप न जाएं, ये तो समझदारों की बात नहीं है। एक सोने में तरह तरह की आकृति होती है, हमने देखा सोने के पत्ते पर एक महल का मॉडल बना हुआ था, उसमें सड़क भी बनी हुई थी, सड़क पर घोड़ा गाड़ी भी चल रही थी, उस पे गधे भी चल रहे थे। देखा उस सोने के पत्ते पर जो महल का मॉडल था, उसमें रसोई घर भी बना हुआ था, भात पक रहा था, और उसमें शौचालय भी बना हुआ था। लेकिन वो शौचालय, वो रसोई घर, वो मंदिर, वो मकान, वो सड़क, वो गधा, वो गाय, वो घोड़ा, सब सोने का बना हुआ था। स्वर्ण के सिवाय उसमें दूसरी कोई वस्तु नहीं थी। आप थोड़ा सा ध्यान दें, ईश्वर जो है, ईश्वर की आकृति को लेकर आप लड़ाई न करें कि वो गोरा है कि काला। गोरा शिव होता है और सांव काले विष्णु होते हैं, सांवरे राम होते हैं और काले कृष्ण होते हैं, और देवी गोरी भी होती है और काली भी होती है, देवी गौरी भी होती है और काली भी होती है, और सूर्य देखो शाम सुबह को लाल लाल भी हो जाते हैं और बिना रंग के चमकते हैं आकाश में। आकाश में सूर्य रंगीन नहीं होता है, सूर्य की किरणों में कोई रंग नहीं है, बिना रंग की किरण है सूर्य की। तो आकृति माने सकल सूरत पर आप मत जाइए, जो असली तत्व है परमात्मा, वही शिव है, वही राम है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही संपूर्ण देवी देवताओं के रूप में है। तो प्रार्थना ये है आपसे कि आप अपने मेरे का पेट भरिए, शिव से भर लीजिए, राम से भर लीजिए, कृष्ण से भर लीजिए। मेरा तो कृष्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये है। ये जो मैं मेरा दुनिया का जो दुख है उसको मिटाने का उपाय क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आपका मेरा कौन है, आपका मेरा कौन है कि गिरधर गोपाल है, आपका मेरा कौन है, वो कैलाश निवासी शंकर है, आपका मेरा कौन है गोकुल चंद्रमा आनंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीता अंबर धारी, आपका मेरा है। तो मेरे के पेट में आप भगवान को ले लीजिए। एक और भी इसका आसान रूप आपको बता देते हैं,
जहाँ आपकी भगवत बुद्धि हो उसी आकार को ले लीजिए, क्योंकि असल में भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो चीज सामने वाली चाहे पत्थर हो, चाहे गंडकी शिला हो, काली काली सालग्राम शिला जिसमें सोना रहता है, और चाहे नर्मदा की शिला हो, नर्मदेश्वर हो, नर्मदेश्वर तो आपके पास ही पैदा होते हैं, गंडकी शिला जरा दूर पैदा होती है, चाहे गोल गोल हो, चाहे लंबे लंबे हो, चाहे तिकोने हो, ये आकृति सकल सूरत चाहे आपके सामने जो हो, लेकिन आपकी बुद्धि में ईश्वर हो। ये भक्ति की रीति ये है, आपकी बुद्धि में ईश्वर भावना है कि नहीं है, प्रश्न यही है। आप चाहे दूसरे देश से, विदेश से, चाहे स्वर्ग से बड़ा चमकना पत्थर मंगा के या सोना मंगा के या धातु मंगा के मूर्ति बनवा लीजिए, मूर्ति तो हो बड़ी सुंदर और बड़ी चमाचम और उसमें बिजली की रोशनी भर लीजिए, लेकिन आपके हृदय में ईश्वर की भावना न हो तो वो मूर्ति आपका कल्याण नहीं करेगी। लेकिन यदि आपके मन में ईश्वर की भावना है तो आपकी वृत्ति को वो ईश्वराचार कर देगी, और उसी को आप मेरी मानिए, एक ईश्वर के साथ अपने मेरेपन का संबंध जोड़ करके, और जो दूसरों के साथ मेरेपन का संबंध है उसको छोड़ दीजिए। इसको भक्ति बोलते हैं। मेरा कौन? मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर एक परमेश्वर के प्रति मेरेपन का भाव हुआ और संसार में मेरापन छूटा, तो आपके लिए दुख का कोई कारण, बंधन का कोई कारण नहीं रहेगा, और मैं का पेट भी आप इसी तरह भरिए। मैं का पेट कैसे भरता है? अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे स्वामी रघुपति हैं, मेरे स्वामी गौरीनाथ हैं, मेरे स्वामी राधा रमन राधा वल्लभ बांके बिहारी लाल हैं, मेरे स्वामी लक्ष्मीपति नारायण हैं। आप इस तरह से पहले मेरेपन का संबंध, इसमें भी रास्ता है, मेरा मानोगे भगवान को तब मैं को मानोगे भगवान वाला। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक। अब ये मैं धनी मैं नहीं है, एक मैं होता है मैं धनी हूँ, एक मैं होता है मैं अफसर हूँ, एक मैं होता है मैं विद्वान हूँ, एक मैं होता है मैं विद्वान हूँ, एक मैं होता है मेरे साथ करोड़ों भेड़े मेरे पीछे पीछे चलती हैं, ऐसा भी होता है। तो ये जो मैं है, ये बड़ी पराधीनता का मैं है, कब तक ये दुनिया की चीजें तुम्हारे साथ रहेंगी और तुमको अपने वाला बना के रखेंगी, इसका कुछ ठीक नहीं है। लेकिन यदि ईश्वर को सामने रखकर, उसको मेरा बनाकर आप अपने को भक्त के रूप में अनुभव करें, तो ये जो आपका अभिमान है, ये संसार को मुक्त, दुख से मुक्त, माया से मुक्त, बंधन से मुक्त हो जाएगा। अपने मैं को भगवान का धनी, अपने मैं को भगवान का धनी बनाइए, अपने मन को, अपने आप को भगवान के ज्ञान का बुद्धिमान ज्ञानी बनाइए, आप अपने आप को भगवान की विद्या का विद्वान बनाइए। तो और जो चीजें होती हैं वो तो छोड़कर चली जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर जीव को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। क्या घड़ा मिट्टी को छोड़ करके रह सकता है? क्या जेवर सोने को छोड़ करके रह सकता है? क्या घटा काश महाकाश को छोड़कर रह सकता है? ऐसे ये जीव ईश्वर को छोड़कर नहीं रह सकता, हमेशा ईश्वर जीव के साथ
मिलता रहता है। आप इस बात पर ध्यान दें, आप बड़े अनुभवी हैं, आप अपने अनुभव का कभी विश्लेषण नहीं करें, ये बात दूसरी है, ये तो आपकी मौज है। देखो आपका प्रेम कहाँ फंस गया, आपकी ममता कहाँ चली गई, आपका मैं किसके आधार पर पराधीन हो गया। आप देखो, आपने अपने ममा को, अपने मेरे को और अपने मैं को कहाँ कहाँ फंसाया है। देखो एक आदमी है, वो किससे प्रेम करता है, जिसकी उम्र अब समाप्त हो रही है, मरने वाली चीज से प्रेम कर रहा है। तो जिससे आप प्रेम करेंगे वो मरने वाली चीज होगी और मर जाएगी, बिछुड़ जाएगी, बेवफा हो जाएगी, तब आपको रोना पड़ेगा कि नहीं। प्रियम त्वाम रोचते, यदि मरने वाली चीज से प्रेम करोगे, वो जिससे तुम प्रेम करो वो तो मर जाए और तुम जिंदा रहो, तो जिंदा रह के तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए प्रेम उससे करना चाहिए जो कभी मरता नहीं है, बिछुड़ता नहीं है, बेवफा होता नहीं है। ऐसा कौन है? ये जो संसार है इसकी उम्र जीवात्मा से कम है। जीवात्मा अनादि है और जीवात्मा नित्य है, और संसार पैदा होता, मरता, आविर्भाव पुरोभाव को प्राप्त होता हुआ बहता रहता है। तो दुनिया है बदलने वाली, बहने वाली, जाने वाली, मिटने वाली, मरने वाली, विश्वासघात करने वाली, धोखा देने वाली। यदि जीवात्मा इस संसार से प्रेम करेगा और इसके प्रेम में फंस जाएगा तो ये निश्चित है कि उसने अपने लिए दुख का दरवाजा खोल दिया। उसने स्वयं अपने को दुख के अग्नि कुंड में डाल दिया। दुख के अग्नि कुंड में डालना ही नरक में पड़ना है। और यदि आप अपनी ममता, अपनी अहंता, अपना प्रेम परमेश्वर के साथ जोड़ दें, तो परमेश्वर हर समय तो आपके साथ रहेगा, कभी बिछुड़ेगा नहीं, और न आपके पहले न आपके पीछे, कभी वो मरेगा नहीं, आपको छोड़ करके कभी जाएगा नहीं, आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य को स्वाधीन बनाने के लिए ये जो भक्ति है, ये भक्ति मनुष्य को पराधीन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि संसार में जो जने जने की पराधीनता है उससे छुड़ाकर स्वाधीन बनाने के लिए है। अब ईश्वर के बारे में भी एक दो बात आपको सुनाते हैं। ईश्वर के बारे में भी लोगों को बहुत भ्रम है। बड़े पढ़े लिखे लोग भी ईश्वर के बारे में कुछ अधिक नहीं जानते हैं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही मरते जीते रहते हैं। ईश्वर देखो अपने से अलग है। अच्छा ठीक है, अलग है तो या तो अपने से बाहर होना चाहिए ईश्वर, और या अपने पीछे होना चाहिए ईश्वर। तो ये जो अपने से पीछे बैठा हुआ है उसको तो हम देख नहीं सकते, और जो अपने आगे बैठा हुआ है उसको देख सकते हैं। अब सामने वाले ईश्वर में और पीछे बैठे हुए ईश्वर में क्या अंतर है, इस पर आप विचार करो। असल में ये दोनों ईश्वर विचार की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। ये खरे नहीं है, खोटे हैं। बड़ी अद्भुत बात है, साधना के लिए सही होने पर भी जो चीज हमारे सामने आ गई, वो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हुई, वो दृश्य हुई, वो परिवर्तनशील हुई, वो सिनेमा का एक दृश्य हुआ, आया और गया। तो दृश्य के रूप में परमेश्वर को मानना, इसमें अनित्यता का दोष आता है। परमेश्वर अनित्य होगा, जड़ होगा, और वो स्वयं प्रकाश नहीं होगा और सुख रूप नहीं होगा।
जड़ता में सुख नहीं है, जड़ता में दुख ही दुख है, जड़ता में नासमझी नासमझी है, जड़ता में परिवर्तन परिवर्तन है। और यदि हम ये माने कि ईश्वर हमेशा हमसे पीछे की ओर रहता है, कैसा है भाई तो कल्पनातीत है, कैसा है भाई का ज्ञान अतीत है, कैसा है भाई का ज्ञान अतीत है, कैसा है भाई का जीव अतीत है, अतीत अतीत करके जब उसको अतीत बना दोगे, जब उसको अतीत अतीत करके सर्वथा अगोचर अभिषय बना दोगे तो वो केवल कल्पना मात्र रह जाएगा। तो जो जो ध्यान अतीत, विचार अतीत, ज्ञान अतीत, अनुभव अतीत होगा तो वो तो अनुभव में कभी आवेगा ही नहीं, केवल उसकी कल्पना अतीत की कल्पना मात्र होगी। तो असल में ईश्वर है क्या? ये बड़ी अद्भुत लीला है इसकी कि जो अपने से सामने है वो तो दृश्य है, जड़ है, परिच्छिन्न है, पराधीन है, और जो अपने से परे है वो कल्पित है, वो परोक्ष है, वो कभी आंखों के सामने आता ही नहीं है। तो परमेश्वर का अनुभव जो सच्चा अनुभव होता है वो अपने आत्मा से अभिन्न रूप में परमात्मा का अनुभव होता है। जो आत्मा आत्मा, क्योंकि आत्मा कभी दृश्य नहीं है, जड़ नहीं है, विनाशी नहीं है, ये साक्षात अनुभव है। और आत्मा कभी परोक्ष नहीं है, कभी कल्पित नहीं है, संपूर्ण परोक्षताओं और परोक्ष कल्पनाओं का अधिष्ठान और प्रकाशक अपना आत्मा है। तो मूल वस्तु ये होती है कि अपनी आत्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये बात श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने मानी है। वो कहते हैं अहम इदंच सर्वम वासुदेव एव। इदम के रूप में भी परमात्मा है, अहम के रूप में भी परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वो ऐसे मानते हैं कि भगवान जीव और जगत के रूप में प्रकट हो रहे हैं और संसार बिल्कुल मिथ्या है। श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि संसार मिथ्या है, जगत सत्य है, जीव और जगत दोनों के रूप में एक परमेश्वर प्रकट हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। और हमारे जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन के जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि ये अपनी प्रत्यग आत्मा, ये स्पंद, ये शिव, शंकर का यही रूप है। शंकर का रूप असल में सेरते यत्र सर्वम, सिंह स्वप्ने धातु से शिव शब्द बनता है, सेते सर्वम अस्मिन इति शिवम, जिसमें सब सोता है उसका नाम शिव है। शिव ही ये आत्मा रूप, शिव ही जगत का उपादान है, जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है, और यही संपूर्ण जगत का आधार है, जैसे पृथ्वी आदि का आधार आकाश है, और यही सबका प्रकाश है, जैसे सूर्य की रोशनी में सब प्रकाशित होता है, और यही सूर्य रूप प्रकाशक, आकाश रूप आधार और पृथ्वी रूप उपादान, इन तीनों की जो संविध हो रही है और जो संविध एक है, जिसमें तीन नहीं है, जिसमें न सूर्य रूप परमेश्वर है, न सूर्य रूप अलग से ईश्वर है, न आकाश रूप अलग से कोई व्यापकता है, और न तो उपादान रूप कोई परिणामी तत्व है, एक परमात्मा, एक आत्म तत्व जो संपूर्ण जगत की उपादानता, आधारता, प्रकाशता और संविधता चारों को अपने स्वरूप में आत्मसात किए हुए है, उसका नाम परमात्मा होता है। तो परमात्मा की अनुभूति के लिए सबसे सुगम यही है कि आप अपनी ममता का पेट परमेश्वर से भरिए। मेरा तो और कोई नहीं, मेरा है तो ईश्वर है। अपनी जीभ का पेट भगवान के नाम से भरिए, अपने प्यार का पेट भगवान की प्यारी प्यारी सूरत से भरिए।
अपनी बुद्धि का पेट भगवान के विचार से भरिए, अपनी समाधि का पेट अचिंतन दशा निर्विषय दशा प्राप्त करके उससे अभिन्न समाधि को भाषणे दीजिए। माने इसका अर्थ ये है कि यदि आप संसार की वस्तुओं को मेरी समझेंगे तब तो वो आपको दुख देंगी, संसार है, और संसार की वस्तुओं को आप संसार की वस्तुओं वाला अपने को समझेंगे तो आपका मैं बिल्कुल दुखी होगा। आप पहले भगवान की भक्ति कीजिए, भजनम भक्ति, प्यार से परमेश्वर को वर दीजिए। और वो प्यार क्या है, ये भी भक्ति का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। ये अनजान लोग भक्ति की जैसी कल्पना करते हैं वैसी भक्ति नहीं है। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप है जैसा ईश्वर का स्वरूप है वैसा भक्ति का स्वरूप है, और जैसा भक्ति का स्वरूप है वैसा ईश्वर का स्वरूप है। एक व्यक्ति आत्मा के रूप में परमात्मा का अनुभव करता है तो ये भी भक्ति है, और संपूर्ण जगत के कारण के रूप में ईश्वर का अनुभव करता है ये भी भक्ति है, और हिरण गर्भ के रूप में संपूर्ण वासनाओं के बीज समष्टि के रूप में परमेश्वर का अनुभव करता है ये भी भक्ति है, और ये संपूर्ण मिट्टी पानी आग सर्वात्मा के रूप में भगवान को देखता है तो वो भी सबकी सेवा रूप भक्ति करता है। सबकी सेवा करना भक्ति है। देखो भक्ति की पहचान चार पहचान लो, सबकी सेवा करना ये भक्ति है, चाहे कोई भी हो अपनी ओर से उसकी सेवा ही करनी चाहिए, एक भक्ति है, और किसी के मन को न दुखावे ये दूसरी भक्ति है, और सबको अपने जैसे ही समझे ये तीसरी भक्ति है, और चौथी भक्ति वो है जिसमें परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं रहती है। कपिल देव जी ने माता देवभूति को भक्ति का स्वरूप समझाया, अहम वा सर्वभूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः गुरुतेर्चा विडम्बनम् द्विशतः परकाय माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्ति मृच्छति। कपिल देव जी माता देवभूति से कहते हैं कि देखो दूसरे के शरीर में भी वही परमेश्वर है जो अपने शरीर में, इसलिए जब हम दूसरे से द्वेष करने लगते हैं तो अपने शरीर में रहने वाले से ही द्वेष करते हैं। ये बात आपके ध्यान में है कि नहीं। एक आचार्य कहते हैं कि एक दिन एक आदमी को आ गया गुस्सा, क्रोध आया, तो क्रोध में उसने जलता हुआ लोहे का गोला उठा लिया अपने दुश्मन को मारने के लिए। तो जब दुश्मन की ओर उसने जलता हुआ आग का गोला चलाया तो दुश्मन तो अपने आप को बचा गया, लेकिन जिसने वो गोला हाथ से उठाया था उसका हाथ जल गया। तो ये जो हम किसी दुष्टता पर काए माम, जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो अपने आत्मा से अपने आप से ही द्वेष करते हैं, क्योंकि द्वेष जिससे किया जाता है उसी को दुख नहीं पहुंचाता, जो द्वेष करने वाला है उसके कलेजे में आग जलने लगती है। ये द्वेष ही बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। द्वेष जब किसी से द्वेष होता है, किसी भाव से भी द्वेष होता है, किसी वस्तु से भी द्वेष होता है, किसी व्यक्ति से भी द्वेष होता है, किसी काम से भी द्वेष होता है, किसी स्थिति से भी द्वेष होता है, ये द्वेष बड़ा प्रबल है। परंतु इसका सबसे आश्चर्यमय रूप ये है जो आदमी की समझ में नहीं आता कि द्वेष जिसके हृदय में पैदा होता है उसी को जलाता है। इसी ये जब द्वेष बैठा रहता है हृदय में, पता नहीं कहते नहीं नहीं हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ऐसी झूठ मूठ बोलते हैं, बिल्कुल ना समझ समझते नहीं है।
जब एक आदमी को देख करके तुम्हारी तबीयत तिलमिला उठती है, जब एक आदमी का काम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जब उसकी शकल सूरत से ही तुम्हें ग्लानि और घृणा हो जाती है, तो कहीं न कहीं उसके प्रति द्वेष तुम्हारे हृदय में जरूर बैठा है। तो द्वेष होने से ही हृदय में घृणा होती है, द्वेष होने से ही ग्लानि होती है, द्वेष होने से ही क्रोध आता है, द्वेष होने से ही हिंसा आती है, द्वेष होने से ही विद्रोह होता है। तो जब परमेश्वर की भक्ति अपने हृदय में ये परम प्रेममयी, रसमयी, मधुमयी, लास्यमयी, ये परमाभिलाषमयी जब राधा रानी आकर के हृदय में प्रकट होती है, ये जब गौरी प्रकट होती है हृदय में, तब हमारे हृदय में जितनी अशांति है, दुख है, दारिद्र है, ये सब का सब दूर हो जाता है। भौतिक कोई भी भौतिक उन्नति, कोई भी वैज्ञानिक उन्नति मनुष्य के हृदय को आह्लादित नहीं कर सकती जब तक उसके हृदय में भेदभाव रहित परमानंदमयी इस रसमयी भक्ति का आविर्भाव नहीं होगा। जगत के समग्र दुख को, बंधन को, पराधीनता को, दीनता को, हीनता को मिटाने में समर्थ भगवान की भक्ति है। और यदि भक्ति पहले न आती हो तो आप नाम लेकर पुकारिए, भगवान का नाम लेकर पुकारिए, आपके हृदय में भक्ति आवेगी। ओम शांति शांति शांति।